हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवनीश और आप देख रहे हैं फ्लैगशिप जोन। दोस्तों, अगर आप एक डिसेंट पावर बैंक परचेस करना चाहते हैं जिसका बहुत ही डिसेंट कैपेसिटी हो, जिसका चार्जिंग स्पीड बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जाए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस रियलमी के दो पावर बैंक के बारे में, जो कि ये है रियलमी का पावर बैंक 2.0 और ये रियलमी का पहला पावर बैंक है जो पिछले साल लॉन्च किया गया था रियलमी के द्वारा। ये दोनों ही पावर बैंक 10,000 mAh के साथ में आती है और दोनों ही पावर बैंक का जो बैटरी कैपेसिटी है वो 10,000 mAh तो है ही, साथ ही साथ इन दोनों ही पावर बैंक में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने के लिए मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी दो पावर बैंक के बारे में बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आपको इन दोनों पावर बैंक में से कौन सा परचेज करना चाहिए, क्योंकि जो 2.0 पावर बैंक अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पे आपको 999 rupees में देखने के लिए मिलेगा। और अगर इस पावर बैंक का बात किया जाए जो कि रियलमी की तरफ से आने वाला पहला पावर बैंक था, इसका प्राइस आपको 1300 rupees देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर 300 rupees का प्राइस डिफरेंस है। और बात करते हैं फीचर्स का कि फीचर्स में कितना डिफरेंस देखने को मिलने वाला है आपको, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक डिसेंट पावर बैंक परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं फ्लैगशिप जोन, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही पावर बैंक के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अगर बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो रियलमी का जो पहला पावर बैंक है ये रेड वन, इसका बिल्ड क्वालिटी ये 2.0 के सामने बहुत ही अच्छा फील होता है आपको। रियलमी का जो 2.1 है इसमें टेक्स्चर के शेप में ये डिज़ाइन दिया गया है जो कि उतना प्रीमियम फील नहीं होता है जितना कि रेड वन में। ये जो आपको पॉलिश डिज़ाइन के साथ में आता है ये बहुत ही प्रीमियम फील होता है, और आप हाथ में होल्ड करो या फिर पॉकेट में आप रखो ये बहुत ही अच्छा फील देता है। और वहीं अगर ये जो रियलमी का ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिलता है इसमें भी बहुत ही फर्क है ये दोनों ही पावर बैंक में। आपको ब्लैक वाले में जो रियलमी का ब्रांडिंग देखने के लिए मिलता है वो आपको साफ साफ फील होगा कि किसी प्लास्टिक के मतलब पेपर वर्क पे RELME लिख कर काट दिया है और उसे उठा उठा कर यहाँ पे चिपका दिया है। इसे आप यहाँ से देखोगे आपको यही फील होगा, बहुत ही चीप फील होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रियलमी का ब्रांडिंग देखोगे तो ऐसा कोई फीलिंग नहीं लगने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ये बहुत ही अच्छा फील देता है। तो अगर बिल्ड क्वालिटी का बात किया जाए तो रियलमी का जो पहला पावर बैंक था उसका बिल्ड क्वालिटी इससे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर फीचर्स के बारे में आपको मैं बताऊं तो दोनों ही पावर बैंक का जो फीचर है वो आपको बिल्कुल ही सेम देखने के लिए मिलेगा पेपर पे। आपको दोनों ही पावर बैंक में टाइप ए टू टाइप सी पोर्ट एक एक दिया गया है और जो इसका फास्ट चार्जिंग दोनों ही पावर बैंक में दिया गया वो 18 वाट का है। अभी दोनों ही पावर बैंक को मैं सेम टाइप के बैटरी कैपेसिटी वाले स्मार्टफोन के साथ में चार्जिंग करके दिखाऊंगा कि कितना टाइम शो करता है फुल चार्ज करने के लिए और फास्ट चार्जिंग क्या खाता है। तो आप वेट कीजिए और वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। तो अगर इसके एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे दोनों ही फोन का पावर ऑन ऑफ बटन है। जब आप इसे एक बार प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये जो रेड वन है एक ही इसमें लाइट जल रहा है और इसमें अभी 3 लाइट जल रहा था, लेकिन अगर आप इसे डबल प्रेस करते हो तो इसमें एक मोड है वो एक्टिव हो जाता है। और ये मोड बेसिकली आपको दिया गया है छोटे डिवाइस के बैटरी को चार्ज करने के लिए, लाइक स्मार्ट वॉच हो गया या फिर जिसमें बैटरी कैपेसिटी बहुत ही कम होता है 50 mAh का या 100 mAh इस टाइप का होता है उसके लिए, क्योंकि अगर उन सभी को अगर आप यूज़ करोगे 18 वाट चार्जिंग के साथ में तो बैटरी खराब होने का चांसेस होता है। तो इसे आप जब डबल टैप प्रेस कर देते हो तो ये आप देखो सिर्फ ये सिंगल ब्लिंक होते जाएगा और ये 5 वाट पे आ जाता है। और सेम फीचर्स आपको इसमें भी दिया गया है, डबल प्रेस करोगे आप ये 5 वाट पे चला जाएगा जब आप छोटे कैपेसिटी वाले किसी भी बैटरी को चार्ज कर रहे होगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स इन दोनों ही पावर बैंक में दिया गया है। और इसमें 18 वाट का चार्जिंग तो है, लेकिन अगर आप इसे डुअल पोर्ट में यूज़ करते हो एक साथ, लाइक इस दोनों ही पोर्ट का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 5 वाट पे फिर उसका चार्जिंग स्पीड चला जाएगा। आप अगर ये टाइप सी वाला पोर्ट यूज़ कर रहे हो दोनों में तो आपको 18 वाट का मिलता है। तो ये फीचर्स थे, फीचर्स जो है वो दोनों का ही सेम है, फीचर्स में कोई भी दोनों में अंतर देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब दोनों ही पावर बैंक को मैं आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ। ये है सैमसंग का नोट 10 प्लस जिसमें अराउंड 4350 mAh का बैटरी है, और ये है सैमसंग का S20 प्लस इसमें 4500 mAh का बैटरी है। लेकिन सैमसंग का नोट 10 प्लस में अभी बैटरी कैपेसिटी 89% है और इसमें अभी 16%, लेकिन नोट 10 प्लस में आपको बैटरी अभी अवेलेबल 89% और इसमें 16%। तो
आपको बहुत अच्छे से तो क्लियर नहीं होगा कि कितना टाइम लगने वाला है दोनों को चार्ज होने में, लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया मिल जाने वाला है कि फास्ट चार्जिंग किस हद तक हो सकती है। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए 1 घंटे 19 मिनट में ये पावर बैंक जो है इसे फुल चार्ज कर देगी। ये 16% पे अभी है, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें अगर आप 5% पे अगर रहोगे और इसे लगाओगे तो इसे 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देता है, जो कि एक बहुत ही डिसेंट टाइम है, एक बहुत ही अच्छा टाइमिंग है। तो ये 1 घंटे 19 मिनट आप इसमें देख लिए। अब इसी को मैं लगा देता हूँ ये वाले पावर बैंक में और देखते हैं कि ये कितना टाइम सो करता है। तो अगर रेड वाले के साथ आप देखोगे तो रेड वाले में भी देखो आपको दिखाया 1 घंटे 19 मिनट, बिल्कुल सेम टाइमिंग है। जबकि इस पावर बैंक को यूज़ करते हुए मेरे को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, उसके बाद भी इसका जो बैटरी कैपेसिटी है वो इसके मुकाबले बहुत ही अच्छा है। मतलब 8 मंथ तो वो अच्छे से इसका हो चुका है यूज़ करते हुए मेरे को, और ये अभी 1 वीक पहले खरीदा है मैंने। तो लेकिन दोनों का जो टाइमिंग दिखा रहा है आपको सेम दिखा रहा है, कोई फ़र्क नहीं दिखा रहा है। और अगर मैं सैमसंग के इस नोट 10 प्लस को अगर इसमें लगाता हूँ, इसमें 89% बैटरी अवेलेबल है, तो 24 मिनट अंटिल फुल चार्ज इसमें दिखा रहा है ये रेड वन में। और वहीं अगर मैं इसे ब्लैक वाले में अगर लगा के आपको दिखाऊं, और वहीं अगर आपको मैं ब्लैक वाले में इस नोट 10 प्लस को लगाकर दिखाऊं तो इसमें भी 24 मिनट ही दिखा रहे हैं। मतलब दोनों का जो चार्जिंग आउटपुट है, इन दोनों ही पावर बैंक का जो चार्जिंग स्पीड है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि इसका थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था, या फिर ये बहुत ही अच्छा है, यही दो में से एक चीज़ हो सकता है, क्योंकि ये 8 महीने के बाद भी इसके कंपैरिजन में बहुत ही परफेक्ट परफॉर्म करती है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि क्यों इसका जो प्राइस है वो 1300 रुपये है, और क्यों इसका 999 रखा गया है, 300 का गैप क्यों रखा गया है। इसका सिंपल दो रीजन है। एक रीजन तो यह है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड आप क्वालिटी जो है वो इसका थोड़ा चीप लगता है, अच्छा नहीं है इसके कंपैरिजन में। और जो दूसरा और मेजर रीजन है वो है बैटरी परफॉर्मेंस। आपको रियलमी के पहले पावर बैंक इस रेड वन में बैटरी कैपेसिटी जो पेपर पे है वो 10,000 mAh का है, बट जब आप यूज़ करोगे तो आपको 8,000+ mAh का बैटरी कैपेसिटी इसमें मिल जाता है। 80%+ एक बहुत ही डिसेंट कैपेसिटी है। वहीं अगर आप 2.0 को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको 6,500 mAh से ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आपको मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और यही रीज़न है कि इसका प्राइस 300 रुपये कम है, यही दो कारण है। नहीं तो आप नॉर्मली देखते हो कि जो भी प्रोडक्ट का सक्सेसर होता है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए जाते हैं और प्राइस भी हाइक किया जाता है, लेकिन इसमें आप देखो 300 रुपये प्राइस कम और पेपर पे स्पेसिफिकेशन सेम। हाउ इज इट पॉसिबल, हो नहीं सकता भाई। तो यही रीज़न है, और इसी को चेक करने के लिए मैं इस पावर बैंक को ऑर्डर किया था, जबकि ये मेरे पास था पहले से और बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि भाई आखिर 300 रुपये कम क्यों है। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि 300 रुपये कम क्यों है, और अब आपको भी समझ आ चुका होगा। तो यही था दोस्तों ये वीडियो, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन सा पावर बैंक परचेस करना चाहिए। और बेसिकली मुझसे आप पूछोगे तो ये 2 पॉइंट वो जो है वो बिल्कुल ही रद्दी है, बेकार है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको पावर बैंक में सिर्फ चार्जिंग स्पीड ही मैटर नहीं करता है, आपके पावर बैंक का जो कैपेसिटी है वो भी मैटर करता है। और यहाँ पे इसमें 10,000 mAh का कैपेसिटी दिया गया है ऑन पेपर, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप यूज करोगे तो आपको 6,500 mAh से देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो लिटरली ये एक तरीके का धोखा है कि आपको इतना गैप बैटरी कैपेसिटी में देखने के लिए मिल रहा है। तो यही कारण है कि इन दोनों के प्राइस में 300 रुपये का गैप होने का बहुत बड़ा रीजन है ये। इसमें अगर आपको मैं बताऊं इस पावर बैंक वन में, तो इसमें भी 10,000 mAh का बैटरी कैपेसिटी है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली इसे यूज करोगे तो आपको 8,000 mAh+ बैटरी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही डिसेंट बैटरी बैकअप देता है। तो दोस्तों 1300 रुपये में ये ज्यादा अच्छा चॉइस है, बसरते 999 रुपीज में अगर आप इसे परचेस करते हो तो। और बात बाकी जो दोनों पावर बैंक है इसके फीचर सेम टू सेम है, सिर्फ बिल्ड क्वालिटी और आपको बैटरी कैपेसिटी में फर्क देखने के लिए मिलता है। तो आई होप आपको अब क्लियरिटी आ चुका होगा कि आपको कौन सा पावर बैंक परचेस करना चाहिए। और इसके बारे में तो भैया मैं क्लियरली बोलूंगा कि इस प्राइस सेगमेंट में ये बहुत ही अच्छा है। आप 1300 रुपये लगा रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपका 4500-5000 mAh तक का जो स्मार्टफोन है उसे ये 1.5 से 2.5 घंटे में चार्ज कर देती है, जो कि बहुत ही डिसेंट टाइमिंग है, और हर कुछ इस पावर बैंक में अच्छा है। तो यही था दोस्तों आज का ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फ्लेक्सी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।